नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। इस देश में किस तरह का सेहत के साथ खिलवाड़ होता है और आपकी और हमारी सेहत के साथ जो खेल होता है उसको आप इस खबर से आसानी से समझ सकते हैं। ये अपने आप में बेहद शर्मनाक और दुखदाई है कि भारत में दवाओं को लेकर एक तरफ तो सरकार बड़ी पर्टिकुलर है, पकड़ पकड़ के टीके ठोके जा रहे हैं, खेतों में दौड़ दौड़ के बुढ़ियाओं को गिरा गिरा के, और दूसरी तरफ गैर लाइसेंस की दवा बिक रही हैं। ऐसी दवाएं बन रही हैं जिनको लाइसेंस ही नहीं मिला है, ऐसी दवाएं बन रही हैं जिनको अनुमति नहीं है, और अंधाधुंध दवाएं खतरनाक स्तर तक लिखी जा रही हैं। इतने खतरनाक स्तर तक कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आज मैं बात करूंगा लानसेट का एक जो रिपोर्ट आई है उसकी, जिसमें लानसेट बता रही है कि भारत में कितनी दुर्गति है दवाओं को लेकर। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। भारत में आप किसी तरह कहीं से बचें, अगर किसी नीम हकीम खतराए जान से, YouTube भरा पड़ा है, हर आदमी के पास शर्तिया दवा है, कोई एक गोली से, कोई कहीं पे किसी जगह एक जगह दवा के या कोई कुछ खिला के बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज करने का दावा कर रहा है। सबको आप एक ही दवा एक ही तरीके से नहीं दे सकते हैं, और उसके कारण एक संकट बहुत बड़ा खड़ा हो गया है कि इस देश में लोग ऐसे तरीके से दवाएं खाने लगे हैं जो खतरनाक हो सकते हैं, जो उनके जीवन के लिए खतरनाक हो सकते हैं। जो लैंसेट की स्टडी आई है वो स्टडी बहुत चौंकाने वाली है, और वो स्टडी ये बता रही है कि भारत में जो बैठा हुआ ना DGCI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, वो या तो कुछ करता नहीं है या उसको कोई पूछता नहीं। उस संस्था के रहते हुए आप सोचिए, इस देश में जो लानसेट की स्टडी कह रही है दवाएं बन रही हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है, केमिस्ट की दुकान पे रख के बेची जा रही हैं, और उनको ड्रग कंट्रोलर की परमिशन नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं ऐसा इस देश में हो रहा होगा? आप सोच भी सकते हैं कि जो दवा डॉक्टर साहब आपको लिख रहे हैं वो दवा तो बनाने की भी अप्रूवल ही नहीं मिली है? और याद कीजिए, अभी पिछले दिनों एक पूरा जो घोटाला हुआ था दवा का, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था, उसमें एक भारत की बहुत बड़ी कंपनी जो डोलो वाला कांड आया है उससे पहले आया था, और वो कंपनी अंधाधुंध दवाएं बना रही थी बगैर अप्रूवल के। अभी आपको बताता हूँ लानसेट का डाटा क्या कहता है। लानसेट कहता है कि भारत में 44% दवा, जो 44% दवाइयां भारत में बन रही हैं, यानी आधी से थोड़ी कम, वो बिना इजाजत के बन रही हैं। यानी ड्रग कंट्रोलर जरिया से जनरल से इजाजत ली नहीं जा रही है, कोई अपनी स्टेट गवर्नमेंट से इजाजत लेके बना ले रहा है, कोई कहीं से लेके इजाजत बना ले रहा है। एक कंट्रोलिंग बॉडी जो पूरे हिंदुस्तान में, आप सोचिए, मैंने बार बार इस बात को उठाया था कि कोरोना काल में DGCI ड्रग कंट्रोलर जनरल कह रहा था कि ये जो रेमडेसिविर नाम की दवा है ये आपका कुछ नहीं कर सकती, भला ये आपका या तो लिवर खराब करेगी या किडनी खराब करेगी, ये इलाज में काम नहीं आती, ये भारत सरकार का DGCI कह रहा था। उसके बावजूद इस दवा को कोरोना के लिए प्रिस्क्राइब किया गया, इस दवा को लोगों को लगाया गया, और अंधाधुंध इस दवा का ब्लैक हुआ, बिक्री हुई, खुली छूट थी। सरकारें कह रही थी कि इस दवा की उपलब्धता हम सुनिश्चित कराने वाले हैं, मुख्यमंत्री कह रहे थे, बड़े बड़े नेता कह रहे थे। ये है इस दवाओं को लेकर इस देश में संवेदनशीलता। और उसी तरह की स्थिति इस सर्वे में सामने आई है, 1098 यूनिक फॉर्मुलेशन वाली और 10,100 यूनिक ब्रांड की दवाएं ऐसी हैं जिनको परमिशन नहीं मिली है DGCI से। अब आप ये मत सोचिएगा कि आंवले के रस टाइप की देसी दवाएं होंगी और कुछ दवाएं होंगी, नहीं, ये वही एंटीबायोटिक और दूसरी तरह की दवाएं हैं, एलोपैथी वाली दवाएं हैं जो डॉक्टर साहब लिखते हैं। इसमें से 46% दवाओं को CDCSO नाम हो गया, दरअसल DGCI का सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के तहत आने वाली दवाएं हैं, उनको परमिशन नहीं दी गई है, और बगैर रेगुलेटर की इजाज़त के दवा कंपनियां लाइसेंस प्राप्त कर रही हैं दवा बनाने का, फैक्ट्रियां बना रही हैं। और एक उदाहरण सबसे ज़्यादा इस रिपोर्ट में कोट किया गया है,
उदाहरण ये जरूर कोट किया गया है, लेकिन दवाओं को लेकर मैं अपने वीडियो बना चुका हूँ, आज फिर दोहरा दूंगा उससे जुड़ी हुई बातें। और वो जो उदाहरण था वो ये था कि एजिथ्रोमाइसिन जो दवा है उसको भर भर के खाया है लोगों ने और इसकी परमिशन नहीं ली गई थी। अब एजिथ्रोमाइसिन जिसने खरीदा खा लिया एंटीबायोटिक, कोरोना के लिए एजिथ्रोमाइसिन ले लेना जी। लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, ड्राइंग रूम में बैठते हैं, बात करते हैं, पहले बीमारी पे शुरू होते हैं, फिर दवा पे शुरू होते हैं, फिर वो जो नुस्खा डॉक्टर ने उनको दिया है वो दूसरे को बताना शुरू कर देते हैं। तीन दिन लेके देखो मेरा तो ठीक हो गया था। अरे भाई तुम्हारा ठीक हो गया था, उनका हो जाए जरूरी नहीं। अब आता हूँ गंभीर बात पे जो एंटीबायोटिक से जुड़ी हुई है। एजिथ्रोमाइसिन ही नहीं, बहुत सारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने वहाँ पे देखा होगा अभी रूस में कुछ एक खास तरह के बम चले थे जो एक साथ बहुत सारी जगहों पे बम्बार्डमेंट करते थे, क्लस्टर बम उनको कहते थे। ठीक वैसे ही ये एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली होती हैं, मतलब ये जहर सिर्फ चूहे मारने का नहीं है, इस जहर को डाल दोगे तो छिपकली से लेके कॉकरोच से लेके सब मर जाएंगे। ये हुआ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, यानी एक दवा एक बड़ा स्पेक्ट्रम कवर करती है बैक्टीरियाज का जिनको कि वो कत्ल कर सकती है, मार सकती है। और आपको लगेगा ठीक है तो अच्छी बात है, कोई भी इन्फेक्शन होगा खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये दवा तब दी जाती हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम दवाएं जबकि डॉक्टर 100% श्योर हो कि इन्फेक्शन है और कोई अज्ञात इन्फेक्शन है जिसको मैं पहचान नहीं पा रहा हूं, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है लेकिन अज्ञात है। यानी जब आपको अंधेरे में तीर चलाना हो, जब आपको लगता हो दुश्मन है और इस घर के अंदर छिपा हुआ है, अब ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कौन सा दुश्मन है, ये लश्करे तैयबा वाला है या खालिस्तान कमांडो फोर्स वाला है, तो एक काम करो घर ही गिरा देते हैं। तो जब आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम दवा लेते हैं ना, वो बहुत तरह तरह से वो एंटीबायोटिक आपके शरीर पे अलग अलग जगहों पे जाके असर डालती है। आपका और हमारा जीवन बैक्टीरियाज के भरोसे चलता है। जमीन में बैक्टीरिया ना हो तो उपज नहीं होगी, शरीर पे स्किन पे सब जगह असंख्य अरबों खरबों बैक्टीरिया लगातार काम करते रहते हैं। जब आप खाना खाते हैं तो आपके आंत के अंदर बैक्टीरिया ही खाने को पचाते हैं, वहां पे बैक्टीरिया के साथ और भी बहुत सारे जीवित वो रहते हैं, उसमें कुछ फंगस रहती है, ये रहता है, उसको गट फ्लोरा कहा जाता है रोजमर्रा की भाषा में। और इसीलिए डॉक्टर एंटीबायोटिक देते हैं तो समझदार डॉक्टर बहुत मजबूरी में देते हैं, तो दूसरा देते हैं तो साथ में वो एक प्रोबायोटिक भी देते थे कुछ आपके अंदर के बैक्टीरियाज को बचाने के लिए। अब आप ऐसे समझें कि आपके घर में शादी हो रही है और उसमें कोई चोर घुसाया है और आप पूरा का पूरा तंबू में ही आग लगा दें, तो चोर तो एक मरेगा, घर वाले 100 मर जाएंगे। इसी तरह से जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम दवा है वो आपके सारे घर वालों को मार देती है, आपके जो पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, अच्छे बैक्टीरिया हैं, उनको भी मार देती है। इसके अलावा जब आप एंटीबायोटिक दवा लेते हैं तो उसका हम जो उसको मेटाबोलाइज करने में शरीर के असंख्य सिस्टम लगते हैं। अगर आप अंधाधुंध एंटीबायोटिक लेते हैं तो कई बार ये भी होता है कि आपका बोन मेरो का इश्यू आ जाता है, जीवन जान पे बनाती है, लेकिन लोग लिए रहते हैं। और ये दवा आपको केमिस्ट भी पकड़ा जाता है, आप जाएंगे पेट जरा खराब है भाई साहब, लो दो गोली ले लो खा लो। अब उसने आपको दो गोली दे दी है, पता चला कि डॉक्टर साहब जब उस दवा को आपको लिखते तो वो कहते इस दवा को दो गोली तीन दिन तक तो लेनी ही पड़ेगी, वरना आपने दो गोली खाई, 1,00,000 बैक्टीरिया शरीर के अंदर थे, उसमें 10,000 बच गए, बाकी सारे मर गए, आपको आराम पड़ गया, शरीर ने सिग्नल दे दिया बैक्टीरिया मर चुके हैं, लेकिन जो अंदर बचे हुए बैक्टीरिया थे वो फिर बढ़ना शुरू हो गए। और वो बैक्टीरिया पहचान गए हैं कि आपने एंटीबायोटिक दिया था, वो बैक्टीरिया जब आपके अंदर रहेंगे या आपके अंदर से इन्फेक्शन के जरिए दूसरों के पास जाएंगे तो उनके ऊपर वो जो दवा है ना वो काम नहीं करेगी। इसी तरह से भारत में एक बड़ी संख्या ऐसी दवाओं की इकट्ठी हो गई है, ऐसे बैक्टीरिया की इकट्ठी हो गई है, माफ कीजिएगा,
जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हैं, यानी उनको बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं जिनका उनके ऊपर असर नहीं होता। तो डॉक्टर क्या करता है, आपके खून को निकालता है, खून को रखता है अपने लेबोरेटरी में 48 घंटे के लिए, फिर उसका कल्चर करता है, फिर उसके अंदर देखता है कि बैक्टीरिया बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अगर वहाँ बैक्टीरिया बढ़ जाता है तो उसके अंदर तरह तरह के एंटीबायोटिक डालता है, फिर चेक करता है भाई ये बैक्टीरिया जो है ये एंटीबायोटिक नंबर 14 से मर रहा है, बाकी से रेजिस्टेंस है, बाकी से असर नहीं पड़ रहा है। फिर डॉक्टर आपको वही दवा देता है। अब वो भी दवा आपने बीच में छोड़ दी तो उसकी भी आदत पड़ जाएगी। और इसी तरह से भारत में कई सुपर बग बन चुके हैं जो पाए गए हैं, भारत के सीवेज सिस्टम में पाए गए हैं, भारत का जो पानी हम पीने वाला पीते हैं उसमें अगर अशुद्धि आ जाए तो उसमें पाए गए हैं, और कई जगहों पे सुपर बग पाए गए हैं। आप में से ज़्यादातर, हम में से ज़्यादातर लोग जाके अगर अपना टेस्ट करा लें तो हो सकता है कि हमारे अंदर इकोलाई नाम का एक बैक्टीरिया मिले जो कि सुपर बग है। वो उसको मारना ही मुश्किल है। डॉक्टर तरह तरह की रणनीति अपनाते हैं, एक दवा देते हैं, अचानक दूसरी देते हैं, बहुत। अब इतना कठिन काम है इलाज कराना और इलाज करना, और इस काम के बीच में आप सेल्फ मेडिकेशन करने लगते हैं, तो उसी की वजह से ये हुआ है कि वो तो आप खतरा मोल ले रहे हैं, दूसरा ये हुआ है कि ये जो 48-46% का जो आंकड़ा आया है कि फेक दवाएं बन रही हैं और बिक रही हैं, ये आंकड़ा हमको जानकारी दे रहा है। थैंक यू लैंसेट जिसने हमको बता दिया। मेरी सलाह दो ही है कि एंटीबायोटिक या अंग्रेज़ी दवाएं आप सीधे कतई ना लें, जब तक कि आपका डॉक्टर आपको सलाह ना दे। पहली चीज़, डॉक्टर भी अगर आपको कहे वायरल फीवर हो रहा है एंटीबायोटिक लिखे, जो आमतौर पर डॉक्टर लिखते हैं, तो एक बार से कह लें डॉक्टर इसके बगैर काम चल जाएगा क्या, ज़्यादातर समझदार डॉक्टर मान जाते हैं। तीसरा, आपको अपने आप से अगर दवा लेनी है तो एक OTC कैटेगरी होती है दवाओं की, ओवर द काउंटर ड्रग। ओवर द काउंटर ड्रग में बहुत सारी दवाएं आती हैं जिसको आप ले सकते हैं, उसमें कुछ दर्द की दवाएं हैं, कुछ इस तरह की दवाएं हैं जो सिम्टोमेटिक रिलीफ देती हैं। नाम बताऊंगा तो कुछ रह जाएंगी, कुछ छूट जाएंगी और किसी का प्रचार हो जाएगा, वो उसमें पढ़ना नहीं चाहता हूँ। लेकिन हम अक्सर जो है सुआलीन, पचमोला, ये सब दवाएं लेते हैं। इसके अलावा क्रोसिन, रोसिन भी बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो OTC दवाएं हैं। इन दवाओं को आप ले सकते हैं केमिस्ट की दुकान से खरीद के, लेकिन जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग हैं जिनको डॉक्टर को ही लिखना चाहिए, वो डॉक्टर की सलाह से लें, नंबर वन। नंबर टू, इसका तो कोई इलाज नहीं हो सकता कि आप 46% दवाएं बगैर परमिशन के बिक रही हैं, DGCI सो रहा है, हेल्थ मिनिस्टर टीके बेच रहा है और लोगों के स्वास्थ्य से खेला जा रहा है। और एक चीज़ और बताऊं, इस स्टडी में कुछ दवाएं ऐसी पाई गई हैं जिन दवाओं को तरह तरह से चेक कर लिया गया जिसके अंदर दवा थी ही नहीं, यानी उसने खड़िया को दवा के नाम पे बेच दिया। इस तरह के केसेस भी बहुत पाए गए हैं, यानी आप दवा लाए, दवा के अंदर एंटीबायोटिक के नाम पे खड़िया है, आपने पी ली, आपको कैल्शियम मिल गया, आपने खा ली, और वो कैल्शियम आपके काम आएगा या निकल जाएगा, लेकिन आप जिस काम के लिए दवा ले रहे हैं वो ठीक नहीं होगा। बहरहाल ये बहुत बड़ा घोटाला है। समय समय पे मैं वीडियो लेके आता हूँ, मेरे पास बहुत सारी जानकारियाँ रहती हैं मेडिकल की दुनिया की, सोचता हूँ आप बोर हो जाएंगे इसलिए कभी कभी लाता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ये वीडियो जन जागरण वाला वीडियो है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।